चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में अब मॉनसून एक्टिव है। हालांकि बीते दिन लगातार बरसात हुई जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में मौसम रहने वाला है, किस तरह से एहतियात रखना जरूरी है, क्योंकि काफी नुकसान अगर हम बात करें पिछले दिन हुआ है जिसमें कई मौतें भी सामने आई है। नदी नालों में जिस तरह से एडवाइजरी भी बार बार जारी की जाती है कि नदी नालों के पास ना जाएं अगर लगातार तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ हैं। पॉल सर, क्योंकि कल काफी ज्यादा लगातार बरसात हुई है, हालांकि नुकसान की भी खबरें काफी आ रही हैं, लगातार पानी जो है वो सड़कों पर देखा, आने वाले दिनों में अगर हम बात करें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में किस तरह से रहेगा? देखिए, मॉनसून अब सक्रिय हो चुका है और आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में काफी वाइड स्प्रेड बारिश हुई है और पंजाब हरियाणा में इवन चंडीगढ़ में भी 129 मिलीमीटर 24 घंटे में बारिश, हैवी रेनफॉल हुआ। इसी तरह से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, रूपनगर, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, यहाँ पे भी भारी बारिश हुई है। और ये जो है आगे मॉनसून जैसे सक्रिय होता है तो ये स्थिति कंटिन्यू करेगी, बीच में बारिशें रहेंगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। और पंजाब में आप देख रहे होंगे कि जो वेस्टर्न पंजाब है वहाँ पे अभी बारिशें कम है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी संभावना है कि वहाँ पे भी बारिशें आएंगी। तो कुल मिला के 4 से 5 दिन अभी मॉनसून जो है एक्टिव कंडीशंस में रहेगा, जैसे बारिशें आप देख रहे हैं, बीच में हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं। और साथ साथ में क्योंकि जो पंजाब हरियाणा के जो बिल्कुल एडजॉइनिंग जो हिमाचल का एरिया है वहाँ पे भी बारिश की अच्छी संभावना है, तो उससे ये होता है कि जैसे हमारे रिवलेट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे पानी वाटर लेवल बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। तो ये है कि अब बारिश का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है और जो मॉनसून लेवल है जो पहले कमी थी बारिश में वो भी काफ़ी अब रिकवर हो रही है। जैसे पंजाब है अब 33% के आसपास आ गया है और 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी 50% के आसपास कमी है, उसमें जैसे बरनाला है, फतेहगढ़ साहिब है और अपना जो है नवांशहर है। तो 3 जिले हैं जहाँ 50% के आसपास कमी है, लेकिन ये रिकवर हो जाएगी। सर, इसके जरिए थोड़ा समझना चाहेंगे कि इस समय हालात क्या हैं और जैसे आपने बताया कि अब कंटिन्यूटी रहने वाली है। देखिए, कंटिन्यूटी ये है कि इस टाइम ये मॉनसून, देखिए आप देख रहे हैं मॉनसून के बादल बिल्कुल साउथ हरियाणा या इधर ईस्ट हरियाणा, ईस्ट राजस्थान के आसपास है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो ये इस तरफ मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, थोड़ा ईस्टवर्ड भी मूव करेगा और इससे जो है आप देख रहे होंगे इस पूरे बेल्ट में जो है आगे भी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। और ये हिमाचल का भी एरिया, कल भी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एरिया जो था यहाँ पे रेनफॉल कन्फाइंड था, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट पंजाब और कुछ सेंट्रल पंजाब के जिले। सुंदर सर, क्योंकि पहाड़ों में काफी ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं मैदानी एरियों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई नुकसान भी सामने आया है, उसको लेकर मौसम विभाग ने किस तरह की एडवाइजरी जारी की? नहीं, देखिए हमने अलर्ट्स रखे हुए हैं, अभी येलो अलर्ट तो हमारा कंटिन्यू है और जब जब भी हमें लगेगा कि बहुत इंटेंस रेनफॉल के चांसेस हैं तो हमारा एक नावकास्ट जाता है जो कि 3 से 4 घंटे का कुछ डिटेल्स करता है और वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, जैसे पर्टिकुलर तहसील लेवल पर भी जाता है, तो वो हम जो है बिल्कुल रखेंगे। और क्योंकि वाटर लेवल ऑलरेडी बढ़ गया है और दूसरी बात यह है कि अब जमीन में भी पानी जो है ऑलरेडी आ चुका है, तो जो भी बारिश अब होगी उससे रन ऑफ बढ़ जाएगा। रन ऑफ का मतलब यह है कि पानी एकदम से, जैसे छोटे छोटे नाले होते हैं या वो भर जाते हैं इमीडिएट, तो उससे पानी और बहाव बढ़ता है। तो इसमें तापमान में भी गिरावट जो है? हाँ, तापमान में बड़ी काफी गिरावट आई है, क्योंकि 48 आवर्स देख लीजिए कि लगातार क्लाउड्स रहे, बारिश रहे, तो सिर्फ डे टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कि काफी कम आ चुका है। तो सर, कोई अलर्ट अभी जारी किया है, जैसे कि कल लगातार तेज बरसात हुई है, आने वालों दिनों में भी इस तरह? नहीं, अभी इमीडिएट आज के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट हमने पंजाब हरियाणा के कई जिलों में रखा है और ऑरेंज अलर्ट भी हम रखेंगे जब हमें लगेगा कि पर्टिकुलर किसी रीजन में और एरिया में जो है बारिश बढ़ने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि मॉनसून जो है अब पहले से बेहतर रहेगा और जैसे आपने 48 आवर्स में रेनफॉल देखी, बीच बीच में ऐसी बारिशें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिन, क्योंकि मॉनसून लगातार एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहा है, पिछले दिनों काफी कमजोर था, सूना सूना था, लेकिन अब मॉनसून काफी एक्टिव हो चुका है जिसकी वजह से बहुत ही एहतियात रखने की भी जरूरत है। जो नदी नाले हैं वहां पर ना जाएं बिल्कुल भी, उस साइड से बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरह से पिछले
48 घंटे लगातार बरसात हुई है, नदी नाले भरे हैं, जो पुल्स के हैं, जो काफी वहां पर नुकसान भी देखने को मिला है। इसीलिए आने वाले दिनों में इस तरह से मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा के कई जिलों की बात करें, उसमें भी ज्यादा रेनफॉल की बात की जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।